तो गुड मॉर्निंग, मैं हूं हरिवंश पंडित और आज आप लोग के सामने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट नहीं है बट इसको आप एक्सपेरिमेंट ही समझिए क्योंकि आपने इसके पहले जब भी किया होगा तो इसके कुछ न कुछ आपने अनुमान नहीं लगाया होगा। ये जो लोहे का कील है इसके पानी के अंदर डूब क्यों जाता है और ये जो पेन है प्लास्टिक का ये तैरने क्यों लगता है, तो इसके पीछे दोस्तों रीजन है, साइंस का रीजन है, वो है यानी वाटर का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो इससे जो है ज़्यादा है और उससे जो है कम है। तो दोस्तों मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि इस सब का जो है कारण एक ही है, इसका डेंसिटी जो है पानी से कम है और इसका डेंसिटी जो है पानी से ज़्यादा है, इसलिए ये बाहर जो है वो ऊपर जो है तैर नहीं पा रहा है, डूब जा रहा है, और इसका डेंसिटी कम है इसलिए ये दोस्तों ये पानी पे आसानी से तैर रहा है। दोस्तों मैंने आप लोग को मैंने बताया कि जिसका डेंसिटी वाटर से कम रहेगा वो पानी में आसानी से तैरेगा और जिसका डेंसिटी पानी से ज़्यादा रहेगा वो पानी में डूब जाएगा। तो ये यहाँ तक वीडियो ये सही है, लेकिन दोस्तों मैं अगले वीडियो में ज़रूर बताऊँगा कि आखिर शांति रहो, लोहे का डेंसिटी जो है पानी से ज़्यादा तो रहता है बट कील को डुबाने पे डूब जाता है, बट वो लोहे का जो जहाज़ बना रहता है वो डूबता क्यों नहीं है, यानी एक लोहे का प्लेट जो है पानी में क्यों नहीं डूबता है और लोहे का कील पानी में क्यों डूब जाता है, ये वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो आप लोग को इस चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब और वीडियो को करना पड़ेगा लाइक। मिलते हैं अगले उस एपिसोड में दोस्तों, तब तक के लिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद जय भारत, आपके साथ हूँ हरिवंश पंडित। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, जितना हो सके उतना लाइक कर देना प्लीज़। थैंक यू।